फ्रेंड्स, किचन क्वीन चैनल का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं रियल में गन्ने का जूस, जो कि बहुत ही अच्छा बनता है। ठंड के मौसम में जब भी गन्ना आता है तो इस तरह से एक बार जरूर रहें। ये देखिए, फ्रेश गन्ना लिए हैं, पूरा एक डाँड केतारी है। इसमें बहुत ही अच्छा से रस निकलता है। सबसे पहले हम लोग को इसको कट करना है। आपके पास चाकू है तो चाकू से कट कीजिए, लेकिन भारी चीज़ से कट कीजिएगा। ये मेरा चूल्हा ही बहुत बजा हुआ है, इसको बीच से चीरा लगा देंगे। बहुत ही आसानी से बिना दांत लगाए आपको बहुत अच्छा से इसका जूस निकल जाएगा और बहुत सॉफ्ट होता है ये केतारी। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ताज़ा फ्रेश गन्ने का जूस अगर घर में आप निकाल सकते हैं तो इस तरह से ज़रूर निकालें। पूरा वीडियो आपको अच्छा से दिखा रहे हैं। बीच में से एकदम जीरा लगाते हुए छोटा छोटा टुकड़ा में कट कर दीजिएगा। इसे पहले से थोड़ा सा पानी में डाल दीजिएगा, क्योंकि पानी में डालने से इसका जो जितना केतारी का गन्ना का जूस जो है ना, बहुत अच्छा से निकलता है। हल्का सा केतारी का रस थोड़ा सा दुकान वाला बेचता है, तो धूप लगने की वजह से या फिर किसी 3-4 दिन के रहता है तो सूख जाता है। तो हल्का सा पानी में डाल दीजिएगा तो बहुत नमी हो जाएगा इसमें आ जाएगा। देखिए, अच्छा से इस तरह से बीच बीच में टुकड़ा टुकड़ा जहाँ गांठ रहता वहीं पर मारिएगा, इस तरह से टूट जाएगा। इतना सॉफ्ट इसका छिलका होता है कि बीच बीच में से जहाँ गांठ रहेगा वहीं पर से तोड़िएगा तो आराम से टूटेगा। और छोटा छोटा टुकड़ा में हम लोग को काट लेना है इस तरह से। एकदम अच्छा से वीडियो दिखा रहे हैं, इस तरह से देखते जाइए। गुड़ का तो एनी टाइम आप पी सकते हैं, लेकिन ताज़ा जूस का बात ही बहुत निराला होता है। हम लोग आसानी से इसका जूस निकाल सकते हैं घर में, क्योंकि सीजन रहता है ठंड में। सभी की तरफ देखिएगा, जूस लेकर के आता है गन्ना का, तो लोग शौक से पीते हैं। सिंपल भी पीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, और अगर इसमें नींबू वगैरह डाल के पीना चाहते हैं तो उस तरह से ही पी सकते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा लिमका का यूज़ कर रहे हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है। देखिए कितना धीरे धीरे अच्छा से काट रहे हैं, कट रहा है, क्योंकि बहुत ही ताज़ा केतारी है। हम लोग केतारी भी कहते हैं, गन्ना भी इसे कहा जाता है। कोई भी इसे पी सकते हैं, अगर शुगर पेशेंट तो वो पी सकते हैं, क्योंकि ये तो अपरूपी चीज़ हुआ, कोई केमिकल नहीं दिया हुआ है इसमें। अभी बहुत मीठा, बहुत टेस्टी बनता है। 4 महीना बाज़ार में आता है, शौक से लोग बना के पीते हैं या ठेले पर जा जा के पीते हैं। अच्छा से एकदम वीडियो दिखा रहे हैं, इस तरह से आप ज़रूर बनाएं। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, कमेंट में बताएं। हर पार्ट को बीच से धीरे धीरे काटते जाएं, एकदम बिना दांत लगाए हुए आपका अच्छा से आपका सारा केतारी छिला जाएगा, यानी गन्ना छिला जाएगा। पार्ट पार्ट एकदम देखिए दिखा रहे हैं, जहाँ जहाँ बीच से काट रहे हैं पहले कट कीजिए। इस तरह से बार बार अच्छा तरह से देख लीजिए, कोई भी चीज़ पर रखिएगा इस तरह से कट कीजिएगा। देखिए कितना अच्छा से छिलका निकल रहा है, ज़्यादा बर्बाद भी नहीं हो रहा है। अब पीछे से मारे देंगे, छिलका एकदम अच्छा से कट जा रहा है, बिल्कुल हमें परेशानी नहीं हुआ। आ ताज़ा फ्रेश घर का गन्ना का जूस मिल गया पीने के लिए, सभी ने एकदम शौक से पिया। कोई भी चीज़ आपके पास रहेगा तो इस तरह से आराम से एकदम गन्ना का जूस निकाल सकते हैं, बहुत अच्छा से निकल जाता है। देखिए छोटा छोटा टुकड़ा भी काट के दिखा रहे हैं, किसी भी तरह से कीजिएगा। इस तरह से सिर्फ आपको कट करते नहीं जाना है, कोई भी भारी चीज़ से कट कीजिएगा। अगर आपके पास चूल्हा ही नहीं है तो बड़ा बड़ा चाकू रहता है, उस तरह से कट कीजिएगा। कोई भी चीज़ से कट होगा इस तरह से सारा कट कर देंगे। इस तरह से पानी में हम लोग डुबा देंगे कुछ देर के लिए, 2-3 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, ताकि अच्छा से इसमें नमी आ जाए। इसी तरह से सभी को पारा पारी काट देंगे। हर बीच में गांठ आ रहा है, देखिए बीच से गांठ से ही आपको तोड़ तोड़ के दिखा रहे हैं। इससे गांठ पे मारिएगा ना तो क्या होगा, अच्छा से आपका गन्ना एकदम निकल जाएगा और सारा छिलका अच्छा से निकल जाता है, कोई परेशानी नहीं होता है। घर में अगर चीबना भी है तो इसी तरह से आप कट कर सकती हैं, जहाँ पर गांठ रहेगा वहीं पर कट कीजिएगा। बिना दांत लगाए हुए आपको अच्छा से एकदम पाटे पाट आपका इसका निकल जाएगा। आराम से आप इससे पीस पीस करके आप खा सकती हैं, जूस निकाल सकती हैं थोड़ा थोड़ा करके। देखिए जितना पतला कट कीजिएगा उतना ही अच्छा से एकदम निकल जाएगा। हर तरह से आपको कट करके हम दिखा दिए हैं, देखिए एकदम अच्छा से छिलका निकल रहा है। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा टुकड़ा कर देते जा रहे हैं, बीच से चीरा लगाते जा रहे हैं, हर तरह से आपको दिखा दिए हैं, ताकि आसान से आपसे गन्ना का जूस बना सकती हैं, बच्चों को खिला सकती हैं। क्योंकि गन्ना जब भी बाज़ार में आता है सभी का मन लचने लगता है, सभी लोग खाने के इसको पीने के लिए कहते हैं, कोई लोग चीबना पसंद करते हैं। देहात में तो बहुत बड़ा बड़ा गांठ लेकर के आदमी खाता है, पीता है इसका रस, दांतों से चिपता है। अगर आपके पास साधन है तो इस तरह से आप बना के पी सकते हैं, बच्चों को पिला सकती हैं। रोज़ आप पीजिएगा तो रोज़ मन करेगा इस तरह से पीने का।
हर तरह से आपको दिखा दें कि छिलका किस तरह से आसानी से निकलता है। लेकिन थोड़ा सा पानी में ज़रूर डाल दीजिएगा, पानी में डालने से थोड़ा नमी आ जाएगा, बहुत अच्छा से जूस निकल जाता है ढेर सारा। देखिए सारा हम तरह से छील चुके हैं, पानी में डाल दिए हैं, 2 से 5 मिनट तक इसमें पानी में डाल दीजिएगा। अच्छा से धो भी, ऐसे धोवाला भी धुला भी जाएगा, क्योंकि जितना हम काटने में थोड़ा सा गंदगी आ गया तो सब फ्रेश हो जाएगा इस तरह से। और मिक्सी में हम इसे पीसेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम पीसेंगे, ज़्यादा नहीं पीसेंगे। मीठा रहता है, बिल्कुल चीनी वगैरह कुछ नहीं डाल सकते हैं। इस तरह से डाल के धीरे धीरे करके मिक्सी में हम सब चला लेंगे। इस तरह से देखिए एकदम अच्छा से पिसा गया है, थोड़ा थोड़ा रुक 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 के पीसिएगा, हल्का कपड़ा से इसे अच्छा से जूस को निकालिएगा, छानिएगा। हम सब कर दिए, लास्ट में आपको सिर्फ दिखा रहे हैं, 3-4 बार हम करके पीस चुके हैं, लास्ट में आपको सिर्फ छन्नी से छान के दिखा रहे हैं, छोटा टोपिया में कम से कम। और 2.5 गिलास हम लोग का जूस बन के रेडी हुआ है 1 के तारी में। जब भी छानिएगा तो कपड़ा में लेके ही छानिएगा, इससे अच्छा से जूस निकल जाता है। थोड़ा सा बर्फ़ डाल दीजिएगा, ठंडा के शौकीन है तो बर्फ़ हम पहले से ही जमा के रखे हुए हैं, ठंडा ठंडा थोड़ा जूस अच्छा लगता है। आप ठंडा नहीं पीना चाह सकते हैं तो बिल्कुल आइसक्रीम मत डालिएगा। थोड़ा सा लिमका की यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा खट्टा खट्टा स्वाद आ जाता है, खट्टा मीठा तो बहुत अच्छा लगता है। एक अगर आप नींबू डाल के पी रही हैं, चाय पी रहे हैं, कोई भी पिए, इस तरह से एकदम देखिए फ्रेश है, बिल्कुल गंदगी नहीं आया है। इस तरह से बनाएं और पूरे परिवार के साथ बाहर जाड़ा इसका आनंद लें और इन्जॉय करें इस तरह से ताज़े गन्ने का जूस। देखिए इसमें थोड़ा सा ठंडा डाल दे रहे हैं, टेस्ट थोड़ा दुगना हो गया है। अगर आप ठंडा नहीं डालना चाहते तो बिल्कुल नींबू का यूज कर सकते हैं। अभी पुदीना नहीं मिल रहा है बाज़ार में, इसे पुदीना ऐड नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा ठंडा दे रहे हैं ताकि एकदम जूस हम लोग का ठंडा हो जाए, एकदम बिल्कुल बाज़ार जैसा लगने लगे पीने में। इस तरह से जब भी मन करे फ्रेश आप गन्ना का जूस पिए। अब हम लोग का जूस बल्कि रेडी हो गया है, हल्का हल्का ही आइसक्रीम इसमें डाल रहे हैं। इसे दोपहर में पिए, जब धूप उग जाए तो आराम से इसे पी सकते हैं, सुबह मत पीजिएगा, रात में भी मत पीजिएगा, ठंडा है थोड़ा ख़राबी करेगा, लेकिन पेट के लिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ताज़ा जूस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना, इस तरह से पिए, इंजॉय करें अपने परिवार के साथ।